Hi guys, subscribe to my hashtag stylish channel and press the bell icon for the latest updates. मी आशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का एपिसोड है एक DIY एपिसोड। आज का एपिसोड है हाउ टू रिमूव योर फेशियल हेयर एट होम। तो हमारे फेशियल हेयर, जो हमारे फेशियल बाल होते हैं, उसे कैसे हम इजीली घर में निकाल सकते हैं, उसके बारे में आज वीडियो है। तो बहुत दिन हो गया मेकअप का ट्यूटोरियल कर रही हूँ, तो बहुत मिस कर रही थी मेरे DIY वीडियो को। तो इसलिए सोची कि ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैंने सोचा चलो यही आज कर लेते हैं, हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर और वो भी घर पे ही। और इसमें ना कोई जेलेटिन है, ना कोई वैक्स है, ना कुछ, सिर्फ घर पे ही, घर के ही चीज़, यू नो 100% घर के ही चीज़ों के साथ ये बनाया गया है। नेचुरल है, तो 100% नेचुरल। वेलकम टू माई वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट गाइस एंड कमेंट। सब्सक्राइब के नीचे बेल बटन होगा, प्लीज उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सारे मेरे वीडियोस का, जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं अपडेट करूँगी, उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो बस यही, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल और कमेंट करिए आपको कैसे लगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद माई वीडियो। यानी कि ग्राम फ्लावर, बेसन ग्राम फ्लावर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, और इसमें हमें ऐड करना है 1.5 राइस फ्लावर, चावल आटा, ये 1 स्पून ली हूँ मैं, ये 1/2 स्पून लिया है, 1.5 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, चावल का आटा लेना है हमें। एंड उसके बाद हमें लेना है 1/2 स्पून ऑफ हल्दी हमें 1/2 स्पून लेना है बस। एंड उसके बाद हमें लेना है, मैं 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क ऐड कर रही हूँ, और मैं पहले मिक्स करके देखूँगी, अगर 2 टेबलस्पून ओके रहा तो ठीक है। एंड इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, या पेस्ट नहीं बन रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, मैं और 2 टेबलस्पून लूँगी मिल्क, 1 है, यानी कि 4 टेबलस्पून ऑफ मैंने मिल्क ऐड किया है। अभी मैं इसे अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर दूंगी। रेडी है, अभी इसे हमें फेस में अप्लाई, चलिए मैं आपको इसे फेस में अप्लाई करके दिखाती हूँ। मेरे सारे फेस में बाल नहीं है, सिर्फ मेरे अपर लिप्स, मेरे जॉ लाइन्स और मेरे फोरहेड्स में है, तो मैं सिर्फ वहीं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके फेस में, ऑल ओवर आपके फेस में और नेक में हो, तो आपके फेस में और नेक में अप्लाई कीजिए ये मिक्सचर। तो मैं सिर्फ जहाँ है मैं वहीं अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको ये इंग्रेडिएंट्स मैंने क्यों ऐड किया है हेयर रिमूव करने के लिए, इसके बेनिफिट्स क्या है। मैंने ग्राम फ्लोर ऐड किया है, यानी कि बेसन, यह आपके फेस के ऑयल को कंट्रोल करता है, आपके टैन को रिमूव करता है, और आपके स्किन को सॉफ्टर एंड शाइनियर बनाता है, और ये पिम्पल्स को भी आने से स्टॉप करता है, और आपके जो भी स्कार्स होते हैं उसे भी वो रिमूव करने में हेल्प करता है। मैं नेक्स्ट ऐड की थी राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा में इसमें है, ये आपके स्किन को स्मूथ करता है, फेयर करता है, यानी कि गोरा करता है, और ये एंटी एजनिंग है, और ये आपको ऑलवेज यंग रखता है, एंड ये ऑयल भी ऑब्जॉर्ब करता है। और मैं इसमें ऐड करती हूँ टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये रिमूव करता है सन टैन, और आपको यंगर और ग्लोइंग स्किन देता है। और मैं इसमें ऐड की थी मिल्क आपको बेबी सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज स्किन देता है। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको ड्राई करने में वेट कर रही थी, ड्राई हो चुका है। अब ये कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद 10 मिनट्स लगता है, तो कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद आपको इसे रब करना है। इस तरह मैं आपको रब कैसे भी करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसको रब करना है फिंगर से, मेरे स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं स्लोली रब कर रही हूँ, और इसको स्लोली रब करना है आपको, खुद को हार्म नहीं कर लेना है। तो मैं स्लोली लिटिल बाय लिटिल मैं इसको अच्छे से मतलब रब करूँगी, एंड मैं रिमूव करूँगी। बस 15 मिनट्स लगता है ड्राई होने में, जैसे ड्राई हो जाता है आप इसको रिमूव कर सकते हो। आप ऐसे ही सारे मतलब फोरहेड, जॉ बोन्स को आप सब जगह आपको रिमूव करना है। आपको इस प्रोसेस को, आपको ये मास्क को वीकली थ्राइस यूज़ करना है, वीक में 3 बार आप इसे यूज़ करेंगे, तो नेचुरली आपके मतलब हेयर जो है वो इजीली रिमूव हो जाएंगे।
आपको वीकली थ्राइस करना है, इसमें कोई भी जेलेटिन या वैक्स नहीं है, 100% नेचुरल है, तो आपके फेस के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और आपके फेस को ये मिक्सचर ग्लोई रखता है, आपके सनटैन को रिमूव करता है, आपको आपके फेस को फेयर रखता है और हल्दी की वजह से आपकी स्किन में बिल्कुल येलोइश नहीं होगा। एंड सारा रिमूव करने के बाद मैं कोल्ड वाटर से मेरे फेस को वॉश कर ली हूँ गाइज, एंड उसके बाद मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई कर लूँगी, आप अप्लाई कीजिए। सो गाइज यही था मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए। सो बस यही था गाइज, बाय गाइज, टेक केयर, बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय गाइज।